काफ़ी डिफ़िकल्ट। ओ भाई साहब, मुँह में पूरा धुआं भर दिया इसने। ओके तो ओ लगा हाँ बच गए। हाँ बच गए, मुझे लगा कि नीचे से पत्थर लगा, बट जस्ट बच गए, कुछ लगा नहीं। ओह माय गॉड, इट्स टू डेंजरस। ओके रोकने का नहीं, यहाँ पे रोकने का नहीं, बस चलते जाने का। सॉरी बच्चा। लोकेशन बड़ी प्यारी है, और पीछे देखो वहाँ से वो भी झरना बहता हुआ आ रहा है वहाँ ऊपर से। तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, क्या बैटरी वगैरह चेंज करनी थी मेरे को। और ये देखो, ये जो गोर्स के बैग है ना, इतने घटिया बैग हैं, बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिना मतलब के बैग हैं, पता नहीं क्यों। सारे गैजेट सब मेरे भीग चुके हैं बुरी तरह से। ये देखिए, जो पेपर है मैंने रखे थे इसमें, ये भी पेपर पूरे ख़राब हो चुके हैं भीग के। चलो हाल फिलहाल तो अभी बैटरी चेंज करने के लिए रुके थे, बैटरी चेंज हो गई है, अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं आगे। वाह, सामने वहाँ पे बर्फ भी है। वाह, तो भाई साहब यहाँ से नज़ारा देखो कितना शानदार है, सामने वहाँ पे बर्फ़ और ये बगल से नदी जाती हुई। नदी में हालांकि अभी पानी कम है, लेकिन भाई साहब एक नंबर नज़ारा। राइड विद मूफली। और चांदनी अभी तो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है, बहुत ही मक्खन रोड बनाई हुई है अभी जो इस पोर्शन में चल रही है। और वाह क्या लग रहे हैं वो लोग, वो देखो शुभम वहाँ पहुँच गया। ओ भाई साहब, देखना पड़ेगा किधर से लेके चलना है, इधर से लेके चलेंगे हम। ओ भाई साहब, पत्थर ही पत्थर। ओ भाई साहब, पत्थर हैं यार बहुत बड़े बड़े। फिर से वाटर क्रॉसिंग, और आपकी यार तो थोड़ी लंबी है। ओ भाई साहब, क्या मेरा जो कैन है वो बुरी तरह लीक करने लग गया है, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पेट्रोल स्प्लिट हो जाएगा। ये कैन फूट गया शायद, पेट्रोल निकल रहा है इसमें से बहुत भयंकर, ढकने में से निकल रहा है। ये देख, फिर पॉलीथीन लगाए कोई फाड़ गया। रुक नहीं, अपने पास एक पड़ी है वाइट कलर की नीचे। ओके, यहाँ पे जो हमारा पेट्रोल कैन है वो यहाँ पे लीक कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करते हैं। ये टूट भी जाएंगे ज़्यादा मत कर। ओके, इसका जुगाड़ कर दिया है, इसमें थैली लगा दी है, और अब इसको ऐसे ही साउंड के साथ लेके चलते हैं। थोड़ी सी देर चलते हैं, फिर कुछ कांड हो जाता है। चलो अब निकलते हैं आगे फटाफट, आपसे मिलते हैं आगे। ओके, अभी जो यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग आई थी उस पर यहाँ इन भाई की जो बाइक है
उसका जो स्पार्क प्लग का जो मेन स्विच होता है वो ब्रेक हो गया, तो थोड़ा सा देखने के लिए रुक गया था मैं कि कुछ हेल्प हो सकती है क्या। हमने ट्राई किया बट जो अंदर स्पार्क प्लग है उसकी चूड़ियाँ ही नहीं कस रही। तो स्पेशली जब ये वाटर क्रॉसिंग्स आती है ना, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर पत्थर उछल के लगते हैं और ऐसा कुछ होता है। सब लोग बहुत आगे चले गए होंगे, अभी वो मुझे डांटेंगे, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया क्योंकि यार उनकी हेल्प हो जाए तो बढ़िया ही है ना, क्या पता कुछ लग जाए। जुगाड़ करने की कोशिश की बट स्पार्क प्लग ही फिट नहीं हो रहा, और फिर जब वो कस ही नहीं रहा तो उसको हम कैसे क्या जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर भी तो जाना चाहिए, अंदर नहीं जा रहा है स्पार्क प्लग, और हम लोग इतने मैकेनिक हैं नहीं। कोशिश करके देख ली, तो चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे। मैंने सोचा थोड़ी सी देर बंद कर दूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही ट्रेनर आ गया है, वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए भाई साहब, पूरा ये लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ से पूरे पत्थर नीचे आते हैं, खतरनाक लैंडस्लाइड जोन है। तो ऊपर शुभम शायद वेट कर रहे हैं हम लोगों का, तो वहाँ चलते हैं। बाइक के इग्निशन में यार मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, होप सो सब बढ़िया रहे। अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर भाई साहब दिक्कत ही आ जाएगी अपने, जानते हो आप दिक्कत का मतलब, दिक्कत होता है, दिक्कत का मतलब दिक्कत होता है, कोई नहीं है। ऐसे मिलना चाहिए मुझे हर मोड़ जहाँ कोई नहीं हो। और भाई साहब क्या ही वादियाँ, क्या ही नज़ारे, बहुत ही शानदार है, नज़ारे ही नज़ारे। हम हैं यहाँ पे देखिए 3,945 मीटर की हाइट पे हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है, हल्की हल्की, ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे और यहाँ से फटाफट निकलेंगे, नहीं तो एक बार AMS ने अपन को पकड़ लिया तो भाई साहब मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है वो किसी को नहीं छोड़ती। यार ये जो रास्ता है ना, अभी इसको देखो, सामने जो पहाड़ है पूरा लूज पहाड़ है, छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ पहाड़ है यार, और इसके बिल्कुल किनारे पे हम लोग चला रहे हैं। और अभी थोड़ा सा मैं आपको, हम लोग यहाँ पे 4,121 मीटर की हाइट पे हैं इस समय, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो तो रही है सांस वांस लेने में। और सामने हम अभी बढ़ रहे हैं बारालच्छा पास की ओर, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर के आसपास और है, और वहाँ पे मिलेगी अपन को बर्फ़, बता रहे हैं वहाँ पे बर्फ़ अच्छी खासी है। और यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, जैसे कि वहाँ देख सकते हो बारालच्छा पास है। अभी इस चट्टान के पीछे सुसु ब्रेक हो चुका है, 4,200 मीटर की हाइट पे हम लोग हैं, इसलिए थोड़ी सी सांस फूल रही है। आराम आराम से चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और फिर निकलेंगे आगे, क्योंकि भाई साहब पानी पीना बहुत ज़रूरी है इस समय, डिहाइड्रेशन हो गया तो समस्या हो जाएगी। हे भगवान। तो भाई लद्दाख को वैसे ही लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है, तो अभी हम 4,420 मीटर की हाइट पे आ चुके हैं और ऑक्सीजन की कमी अब बहुत ही ज़्यादा महसूस होने लगी है। हाँ, तो बारालच्छा पास भी एक उन्हीं में से एक हाई एल्टीट्यूड वाला पास है जो कि अब हम पहुँचने वाले हैं, और जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ठंड बहुत ही ज़्यादा लगती जा रही है, यहाँ पर ठंड बढ़ रही है यार, और मैंने विंटर ग्लव्स भी अभी पीछे हैं, तो ओह माय गॉड ये क्या है। और कानों के पर्दे बार बार बंद हो रहे हैं, और जो बाइक है वो भी एक्सेलरेटर कम ले रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भाई साहब सोच लो कितना कम ऑक्सीजन है। वहाँ पे जो ट्रक जा रहा है वो भी धीरे 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 चढ़ रहा है, और यहाँ पे देखो बर्फ, आखिर हमको बर्फ़ मिल ही गई साइड में, यहाँ से अब बर्फ़ शुरू हो गई है, देखते हैं अगर मेरे को हुआ तो मैं ग्लव्स चेंज करूँगा।
ओके यहाँ मुझे रुकना चाहिए उन लोगों के लिए, क्या पता उनके साथ क्या हो यहाँ पे। सिर थोड़ा भारी भारी हो गया है यार, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा भारी भारी सा फील हो रहा है यार। हिमालयन को पार करना भी टेढ़ी खीर है यार। हो गया हो गया।